म्यूट कर लो। प्लीज अपने अपने सारे माइक्स बंद कर दें। और आज का हमारा टॉपिक होगा एसी वर्सेस। यार मेरा माइक तो ना बंद करो। अरे यार क्या बदतमीजी है, कल को बोलेंगे लो जी किसी ने कुरेशी को निकाल दिया है। प्लीज अपने अपने माइक बंद कर लें। सर वो सर। मेरा ऑटो पे लगा, मेरा बंद नहीं होता सर। हमें तो एक लफ्ज ही सुनाई दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर मामा बुला रही हैं। यार पढ़ने तो यार सर को तो ना म्यूट करो। सर मेरी कॉल ड्रॉप हो जाएगी पहले मेरे साल का जवाब दें। सर मुझे हाथ नहीं मिला क्या? माइक बंद कर दे अपने अपने। प्लीज डेकोरम का ख्याल रखा जाए। सर ये कौन शोर मचाए जा रहे हैं? चुप करो सर, आप ही चुप करें सर। सलाम मरहबा आदाब नमस्ते संगी ब्यूटीफुल पीपल्स, आई एम अली हसन एंड यू आर वाचिंग थीटाज ऑफ यूटी व्लॉग्स। सो एज द टाइटल सेज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ऑनलाइन लॉलीपॉप्स। और ऑनलाइन लॉलीपॉप्स मींस ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस मींस वो क्लासेस जो हम लोगों की कैंसिल हो चुकी हैं और सिर्फ 19 प्लस सेशन की चल रही हैं। बल्कि जो कि मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस की स्टोरी ज़रा शुरू से बताता हूँ, जब तक कि रुकता नहीं मेरी स्टोरी खत्म होनी चाहिए। तो शुरू ऐसे होती है स्टोरी कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, हर तरफ हरियाली थी, हर तरफ खुशियाँ थी, परिंदे चहचहा रहे थे और एकदम नोटिफिकेशन आता है कि जी 13 अप्रैल से आप लोगों की क्लासेस होंगी। और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया, हर तरफ आंधियाँ आने लगीं, हर तरफ काली घटाएँ छा गईं। और फिर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि मतलब सिर्फ एक क्लास के बाद हमारी क्लासेस दोबारा से कैंसिल हो गई। यस हाँ, तो हम इस व्लॉग में इसी तरह ऑनलाइन लॉलीपॉप्स को डिस्कस करेंगे। और खाली हम मतलब मैं नहीं होऊंगा, हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कॉल्स पे लेंगे, बहुत से लोगों को अपने शो में बुलाएंगे और मतलब ऐसी ऐसी शख्सियात को बुलाएंगे जैसी शख्सियात को वकार जका भी नहीं बुला सका। देखते हैं बाकी सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अपने अपने क्या नज़रियात रखते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना, क्योंकि जो सबसे बड़ी शख्सियत है ना, जो सबसे बड़ी शख्सियत है उसने सबसे एंड पे आना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्किप करके आगे चले जाएं, स्किप बिल्कुल नहीं करना आपने। नो गॉड प्लीज नो। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले कॉलर की तरफ, जो के हैं EE17 सेशन से जूनियर किसान उमर सुल्तान। हम उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, तो उमर सुल्तान आप बताएं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं? नहीं, प्रॉपर तो नहीं ली, लेकिन हमारी एक डेमो क्लास हुई थी भाई। डेमो क्लास भी 70 मिनट की। आपको डेमो क्लास लेता है 70 मिनट की, उस बंदे को मैं कहता हूँ सल्यूट है उस टीचर को। तो बंदे जानते हैं वो टीचर कौन है बस। और उसमें जो जो हुआ था अल्लाह माफ़ करे, सर को हमने अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कैंसिल क्यों हुई है ये क्लासेस? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही दूर इलाकों के, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा वगैरह हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बाकी ही नहीं है और उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस वजह से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में हो क्या रहा था, ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ हो रही थी लड़कियां। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेस में ये हो रहा था कि वहाँ पे ड्यूरिंग द लेक्चर टीचर को रिमूव कर दिया जाता था, टीचर को अनम्यूट कर दिया जाता था। अब एक सॉफ्टवेयर, उसमें एक तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी, क्योंकि उसमें हर स्टूडेंट के पास ऑप्शन था टेक कंट्रोल का। वो टेक कंट्रोल करके वहाँ पे चलता हुआ लेक्चर भी रोक सकता है, उसकी स्लाइड्स ऑफ कर सकता है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर में इतनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, साथ में उन्होंने गाने भी चलाने होते थे, वो मस्त थे, तो उस वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस होती थी। और फिर एंड एट द एंड कई दफ़ा हमें यह भी सुनने में मिला जी कि सिर्फ ख़वातीन की अटेंडेंस लगेगी, मर्द हज़रात की नहीं लगेगी। हाँ, थैंक यू सो मच उमर सुल्तान, आपने हमें टाइम दिया। और मतलब अगर हम उमर सुल्तान की बात समराइज़ करें तो इसमें अब दो बेसिकली मेन रीज़न है जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल हुई। एक तो फाटा और बैकवर्ड एरियाज़ की, जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे ऑनलाइन उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके पास डाटा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उसकी वजह से। और सेकेंड स्टूडेंट्स की ना, हम उसी तरह के एक स्टूडेंट से रابطہ करें जो कि बलूचिस्तान के हैं, जिनका नाम है अब्दुल सबूर और वो 18 सेशन से हैं। तो उन्होंने अभी ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल सबूर, आप हमें ये बताइएगा
कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों कैंसिल है। देखें मैं अपना बताऊं तो हमारे एरिया में होता है 2G, हम व्हाट्सएप फेसबुक बहुत मुश्किल से चलाते हैं, तो मैं कैसे ले सकता था ऑनलाइन क्लासेस। और दूसरी बात कि मैं क्लास में इतनी मुश्किल से पढ़ता हूँ, मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें समझ आती हैं और काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, तो ऑनलाइन तो मेरे लिए नामुमकिन था पढ़ना। तो यही वजह है कि यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे बारे में सोचा कि रूल नंबर 1, 2, 3 ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, इस एरिया में 2G चलता है, ये क्लास में बहुत मुश्किल से पढ़ता है, तो कैंसिल कर देते। थैंक यू सो मच, मतलब आपके मुताबिक आपकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल होंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अब अगले कॉलर की तरफ जाने से पहले कुछ ऑनलाइन क्लासेस के आंखों देखे मनाजिर की तरफ रोशनी डालते हैं। देखें आप वो पहले। ओ बेटा कौन हो आप? आप हो कौन बेटा यार? अपना आपका असल नाम क्या है आप बताएं? आपके पिछले 10 मिनट से मसले नहीं खत्म हो रहे यार, क्या कौन हो कौन आप भाई? मैं नहीं बताऊंगा। अब ये बेगैरत कौन है? कौन लोग हैं यार आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। शलवार की जेब रखवाना कैसा है और क्या ऐसी सूरत में जेब में रखे पैसे हलाल हैं? अब खुद ही बताएं ऐसी हालात में यूईटी वाले ऑनलाइन क्लासेस रोकते ना तो और क्या करते। खैर अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी हम कराते जाते हैं। इब्राहिम मंजूर एक सीनियर हैं और डबल ई से ही हैं और डबल ई में पढ़ाते भी हैं, तो हम अब चेक करते हैं कि उनकी क्या राय है ऑनलाइन क्लास के बारे में। यार ऑनलाइन क्लासेस जो है बेसिकली एक यहूदी साजिश थी, और अलामा साहब ने भी बोला है कि ये एजाज काफरन दी मुसलमान वास्ते हराम है। और कैंसल क्यों हुई इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो मैं नहीं बताऊंगा। ये बताना नहीं चाह रहे शायद, और फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जो कि ना सिर्फ यूईटी बल्कि पूरे पाकिस्तान के सुपरस्टार हो सकते थे, रिजवान असगर। गालियां आई मीन तालियां। हेलो जी अली जी, की हाल चाल है थोड़ा? जी जी मैं बिल्कुल अल्लाह दफा कर तेरे हाल हूं। यार मैंने सुना है इंडिया वालों ने कोरोना वायरस का इलाज निकाल लिया है वो गौ मूत्र से। यार सीरियस बात है, मैं सोच रहा हूँ कि ना दोनों मिलके दो पैक लगा लेते हैं यार, अमेज़न से प्योर फॉर्म में मिल रहा है। ओ भाई तुम खुद ही पियो, मैं पहले भी कह रहा हूँ ये व्लॉग हो रहा है और आप लाइव जा रहे हो। है बाकी यार, यार प्लीज़ ऐसा ना करना यार, वो क्लिप काट देना अच्छा नहीं लगता बंदा यार प्लीज़। अच्छा सही है मैं काट दूंगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यार टू बी ऑनेस्ट रोज सुनते हैं आज क्लास होगी आज क्लास होगी, अभी तक हमारी तो कोई एक क्लास भी नहीं हुई, और वीकली पैकेज लगाते हैं क्लासेस के लिए और वो किसी और काम में यूज हो जाता है। अच्छा तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट नहीं अभी तक, तो फिर तुम क्या करते रहते हो छुट्टियों में? यार वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ यार, भाई का यूट्यूब चैनल है गुस्ताखियां अपडेट्स का, तो तुम यहाँ पे अपने चैनल की प्रमोशन कर लो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार हम आखिरी सेमेस्टर वाले ना अभी यूटी को छोड़ने के लिए ना मेंटली तौर पर तैयार नहीं हुए यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार, अगर उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया तो हमें तो यूनिवर्सिटी से ऐसे ही निकाल देंगे वो। हाँ जूनियर्स की क्लासेस होनी चाहिए यार, यार क्या बात है यार, जूनियर्स ने पैसे दिए यार, वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है यार, जूनियर्स की क्लासेस होनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने अपना टाइम दिया इसके लिए। ओ माय गॉड अली तुमने कैसी बात कर दी यार, आई लव यू यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। और यार देखो ना भाई के यूट्यूब चैनल का किसी को पता ही नहीं है यार, बताओ इनको सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे तो तुमने खुद ही अपनी सारी प्रमोशन कर लिया, लेकिन मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, और तुम्हारी जिस तरह की तुमने हरकतें की हैं तुम्हारे तो वैसे ही लोगों ने जाके चैनल देखना। फिर भी थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट गेस्ट एक और यूरी टेक्सला के शानदार व्लॉगर हैं और उन्हें हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लाइव लिया है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो असल मकसद था वो तो मर गया, अब उसको यूज़ करते हैं उस तरह, तो आए अब उनसे बात करते हैं। इंट्रो तो मैं दे चुका हूँ,
सवालात आपको मैंने पहले बता दिए हैं। सवाल पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड की हैं या नहीं की? नहीं, मैं खेल नहीं रहा, कॉल पे हूँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड की? अच्छा, नहीं मैंने नहीं कॉल की। मतलब वो तो एक्सपीरियंस आपने आपको मेरा आपको वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवा नहीं सकता, लेकिन वैसे नहीं, देखो अभी 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 हो गया है ना, अभी जैसे भाई जा रहा था उसकी आवाज़ आ गई, तो ये हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन नहीं जा सकते। सही बात है। अगला क्वेश्चन ही मेरा यही था कि तुम्हारे तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो यूईटी में नहीं चल सकें, इसकी मेन वजह क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दो वजह हैं इसकी। एक तो जो मेन बेसिक रीज़न कि भाई काफ़ी लड़कों के पास नहीं है, नेट वगैरह नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है, और मेरे अपनी क्लास में कुछ ऐसे थे, या उनको डाटा वगैरह करवाना पड़ता है। लेकिन दूसरा, जो बंदे क्लास में बैठ के नहीं पढ़ते वो कहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो उल्टा ब्लॉगिंग स्पीड बढ़ गई है। हाँ, तेरी बढ़ गई है। अच्छा, मैं बल्कि मैं अपने ब्लॉग से ज़्यादा तेरे ब्लॉग में आने लग गया हूँ। सही बात है। गेस्ट की तरफ जाए उससे पहले पहले कुछ कहना चाहते हो? आपको पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, मुझे पूरी दुनिया देख रही है, मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है अली भाई के ब्लॉग पे आके। और बस यार, ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा ख्याल करें कि मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे आपको 40,000, हम तो 40 दे रहे हैं, वो 80 एयर वगैरह वाले 80-90,000 दे रहे हैं, तो उनका थोड़ा ख्याल कर लें बस। बाकी बस घर बैठें, छुट्टियाँ कर लें यार, बाद में पढ़ लेंगे, खैर है। सही बात है। वैसे नुकसान देखा जाए ना तो एंड पे हमारे ही हुआ, हमारी डिग्री लेट हो गई है। खैर, हमने यूईटी का पढ़ा, हमेशा से होती आई है, पहले हमेशा से होती आई है। इस दफ़ा हम किस कुदरत ऐसी थी कि हम मिल गए थे साथ दोबारा, लेकिन नहीं। चलो सही है। ओके बॉय, बना दे रहा हूँ ब्लॉग। ओके ओके। और अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। बस वो लेट हो गए हैं थोड़े से। क्या सो आ चुके हैं? हाँ जी गाइस, तो वो आ चुके हैं, मैं उन्हें लेके आता हूँ ज़रा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप और आप क्या करते हैं, आप खुद ही हमारी ऑडियंस को बताते चलें। मैं खतीब हूं, मैं मेंबर का आदमी हूं। अच्छा, हमने सुना था कि आप वकार जका के साथ 8 बजे आएंगे लाइव, लेकिन आप आए नहीं, इसकी क्या वजह है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चले सही है, हम अब नजर नहीं लगने देते। अच्छा, अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, आप बताएं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपकी क्या राय है? यही तो कयामत है। वाकई आपकी तो राय बिल्कुल मेरे वाली है, वाकई कयामत है। लेकिन आप ये बताएं कि ये ऑनलाइन क्लासेस यूजी टेक्सला में क्यों नहीं चल सकी? अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। मैं संजीदा बात कर रहा हूँ और आप मजाक के मूड में। तो ये बताइए कि संजीदा गुफ्तगु कैसे की जाएगी? बस जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दे दें। इनकी बदतमीजियां बंद करें, इनके बंद करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, अलामा साहब की भी वही राय है कि बदतमीजियों की वजह से, स्टूडेंट की बदतमीजियों की वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल सकें। थैंक यू सो मच अलामा साहब, आपने हमें टाइम दिया। इन सारे गेस्ट्स और इनकी बातों से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ना तो कोई टीचर बुरा था, ना कोई इंस्टीट्यूशन बुरा था, बुरा था तो ये ऑनलाइन सिस्टम या फिर हम। और बाय द वे, इस ब्लॉग का मकसद बिल्कुल किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूशन की बेहरमती कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो करना बिल्कुल नहीं था, जो कि आपको पता चल भी रहा होगा कि हम अपने आप को ही कोसते हैं पूरे ब्लॉग के अंदर। बाकी अब आते हैं अल्लाह वास्ते प्रमोशंस पे। अल्लाह वास्ते प्रमोशन मीन्स अभी मुझे किसी ने पैसे नहीं दिया, और आई थिंक ना मैं अभी पैसों के काबिल भी हूँ। तो एक तो चैनल है ट्विन आर्ट का, अगर आपको हैंडक्राफ्टेड फ्रेम्स चाहिए हों या फिर गिफ्ट बॉक्सेस चाहिए हों या कुछ भी हैंडक्राफ्टेड चाहिए हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा माल मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सेकंड, हमज़ा कुरैशी ने मुल्तानी कपड़ों की दुकान खोली मतलब मुल्तानी कपड़े की क्या कर रहा है, मतलब मुल्तानी कपड़े अगर आपको इसको चाहिए ना तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं, उसके चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी एंड पे मैं यही कहूँगा कि टू ऑल दोज हु हेल्प मी मेक दिस वीडियो, उनका बहुत 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 शुक्रिया उन सबको।
एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे का बटन भी दबा दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें यार। 200 फॉलोअर्स इनमें है टोटल मेरे यार, जस्ट मतलब अच्छा लगता है वैसा कुछ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।